नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे मंगोलिया देश के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम मंगोलिया की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मंगोलिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे जहां पे स्पेशल फोकस होगा चंगेज़ खां पे। फिर हम बात करेंगे मंगोलिया के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में। फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि मंगोलिया के रिलेशंस इंडिया और चाइना के साथ कैसे हैं। A lot to learn in this video. Let's start. घर बैठे आप various exams की तैयारी कर सकते हैं with StudyIQ। हमारे various courses available हैं for SSC exam, bank exam, UPSC exams as well. आप studyiq.com पे जाके हमारे courses purchase कर सकते हैं और you can call these numbers that you see on the screen. सबसे पहले map में देखते हैं। map में बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको मुझे। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ते रहें तो यहाँ पर हमको लैंड लॉक्ड कंट्री मिलता है, मंगोलिया। मैं बात कर रहा हूँ एक लैंड LANDED लॉक्ड कंट्री की। अब एक लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ओशंस हैं, बहुत सारे ट्रेड राउट्स हैं। अगर आप उन ओशन से कनेक्टेड नहीं हो, आप बाकी कंट्रीज से जुड़ नहीं सकते थ्रू सी लेन, तो आप एक लैंड लॉक्ड कंट्री माने जाओगे। अब मंगोलिया का आप देख सकते हो आसपास कोई समुद्र नहीं है, सैंडविच्ड है बिटवीन चाइना और रशिया, तो इसलिए ये लैंड लॉक्ड है। सिमिलरली आप कजाकिस्तान पर नज़र डालिए, इसका एक एग्जांपल काफ़ी निराला है। कजाकिस्तान एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है और ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट फिर एशिया का भी सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाता है। मगर आप लोग देखोगे कि बट सर, यहाँ पे पास में कैस्पियन सी तो है, तो कैस्पियन सी होने के बावजूद भी ये लैंड लॉक्ड है? जी बिल्कुल है, क्योंकि कैस्पियन सी खुद ही लैंड लॉक्ड है। अगर कजाकिस्तान चाहे बाय सी कि इंडिया पे कोई कार्गो वो भेजे तो वो भेज सकता है? बिल्कुल नहीं भेज सकता, क्योंकि कैस्पियन सी अपने आप में यहाँ पे कोई और उसको पैसेज नहीं देता। अब कैस्पियन सी को ब्लैक सी से कंफ्यूज मत कर लेना। यहाँ पे अब दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि यूक्रेन भी ऐसे तो लैंड लॉक्ड हो गया। दिखने में लग रहा है ना आपको कि ये ब्लैक सी है, यहाँ पर पूरा ये लैंड आता है, तो यूक्रेन भी अगर चाहे कि इंडिया को उसको कोई कार्गो भेजना है यहाँ से ऑल द वे होते हुए अफ्रीका से यहाँ पर, तो वो नहीं भेज सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे इस्तांबुल एक छोटा सा पैसेज देता है, ऑलराइट। तो अगर आप ब्लैक सी के करीब आपकी कंट्री है तो आपकी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, तो यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि थ्रू इस्तांबुल ये जो हल्का गैप है यहाँ पे, यहाँ से ये मेडिटेरेनियन में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो है ये स्ट्रेट पार करके ये किसको कहीं भी जाना जा सकता है। मगर क्या मंगोलिया ऐसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया भर में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो 44 कंट्रीज़ हैं ऐसी जो लैंड लॉक्ड है, और इसमें से नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कंट्री आपको लैंड लॉक्ड नहीं मिलेगी। सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में जहाँ पर कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैनेडा, इसके पास भी ठीक ठाक एक्सेस है ओशंस का, US के पास है ही, मेक्सिको के पास भी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, सराउंडेड बाय सी, आराम से ये किसी भी देश से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सी राउट। मगर किस कॉन्टिनेंट में दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड लॉक्ड कंट्री है? देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड लॉक्ड कंट्री आपको मिलेगी अफ्रीका में। एशिया में टोटल 12 हैं। अब मंगोलिया गिनवा दिया मैंने आपको, कजाकिस्तान गिनवा दिया, उसके अलावा किर्गिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया के पास जो नेपाल है, नेपाल भी लैंड लॉक्ड है, भूटान भी लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान एक काफ़ी फेमस लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या अज़रबैजान लैंड लॉक्ड है? बिल्कुल वो भी है, सिर्फ कैस्पियन सी के साथ इसका ये कोस्टल लाइन है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं, तो टोटल एशिया में 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका में आप देख सकते हो सिर्फ दो लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक है बोलीविया, फिर है दूसरा पेरुग्वे। तो मंगोलिया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत बात करेंगे, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। और अगर आप सोच रहे हो कि थर्ड नंबर पर कौन है, तो थर्ड नंबर पर है चैड अफ्रीका में, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो हो गया आपका वेटिकन सिटी जो इटली के आसपास गिरा हुआ है। अभी इस मैप में नहीं दिखा सकता, अलग से आपको एक मैप में अभी दिखाऊंगा। यूरोप में देखो टोटल यहाँ पे 13 लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन कौन सी है देख सकते हो आप? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया है, हंगरी, बहुत सारी है, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, ऑलराइट। अब एक बार आपको वेटिकन सिटी का मैप दिखाता हूँ जस्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखो ये है इटली, इटली को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो इसकी कैपिटल है रोम, उसमें है वेटिकन सिटी, वो अपने आप में एक कंट्री है। तो ये स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री हो गई दुनिया की। अब मंगोलिया के बहाने हमने बहुत सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ ली, विच इज़ अ गुड थिंग। खैर,
अब बात करते हैं सिर्फ मंगोलिया की। मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश ऑफ कोर्स दुनिया का रशियन फेडरेशन है, और जो कैपिटल है मंगोलिया की वो है उलन बतार, जिसकी स्पेलिंग आपको नीचे एनिमेशन में दिख जाएगी। मंगोलिया को लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सनी डेज बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़रा आपको क्लाउड्स नहीं दिखेंगे, ना ज़्यादा आपको कोई और रुकावट दिखेगी जो सूर्य की रोशनी को रोकेगी। तो यहाँ पे 260 सनी डेज होते हैं हर साल। उसके अलावा मंगोलिया दुनिया के सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है, मतलब कि अगर एरिया के हिसाब से आबादी हम देखें तो रेशियो काफ़ी मिसमैच्ड है, एरिया बहुत सारा है, आबादी कम है। ऑफ कोर्स जब भी हम मंगोलिया के बारे में बात करेंगे तो गोबी डेजर्ट के बारे में बात होगी ही। गोबी डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन आपके CHSL से लेकर CGL से लेकर UPSC कहीं भी आ सकता है। ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये मंगोलिया में है। हालांकि ये दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है, दुनिया का ये 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि चाहे आप पूरी वीडियो के नोट्स ना बना रहे हो, ये चीज़ जो है ये मेमोराइज कर लेना कि गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले कुछ सालों में गोबी डेजर्ट में बहुत सारे डायनासोर्स के एग्स भी मिले हैं और उनके फॉसिल्स भी मिले हैं, मतलब के डायनासोर्स का बहुत ही बड़ा गढ़ होता था ये एक ज़माने में, बट आज यहाँ पे बस एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है। थोड़ा सा यहाँ पे गोबी डेजर्ट के बारे में और जान लीजिए। यहाँ पे प्रॉपर मैप है गोबी डेजर्ट का, आप देख सकते हो आधा मैप यहाँ पे चाइना के नॉर्दर्न प्रोविंस में आता है और आधा जो है मंगोलिया के सदर्न प्रोविंस में आता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे ये मंगोलिया का पार्ट और ये रहा चाइना का पार्ट। ओके, तो अब उसके अलावा दुनिया के जब मेजर डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नंबर 1 पे आर्टिक है जो अंटार्कटिका में है, फिर आर्टिक आ जाता है, ये बहुत सारे जो देश हैं मिलकर शेयर करते हैं इसको, और फिर है यहाँ पे सहारा डेजर्ट जो नॉर्दर्न अफ्रीका में है, फिर अरेबियन डेजर्ट आ जाता है अरेबियन पेनिनसुला में, फिर दुनिया का 5th लार्जेस्ट गोबी डेजर्ट। उसके अलावा बाकी भी हैं, ये भी याद रख लो। ये तो नहीं पूछेंगे कि इनकी रैंक क्या है, ये पूछ लेते हैं कि ये है कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना के बॉर्डर के बीच में। अब देखो मंगोलिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इनकी जो फ्रेश वाटर लेक है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेश वाटर लेक मतलब कि यहाँ से डायरेक्टली आप पानी पी सकते हो, फ्रेश वाटर मिलेगा आपको यहाँ पे, और इसका नाम ये है यहाँ पे है खोवस्लॉग नूर। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे मंगोलिया में। हालांकि लार्जेस्ट लेक बाय एरिया उस लेक है, मगर खोवस्लॉग नूर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मंगोलिया की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर एरिया का पूछते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा उव्स लेक। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो कुतियन पीक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मंगोलिया का। ये वेस्टर्न मंगोलिया और चाइनीज़ बॉर्डर के करीब है, मैंने आपको मैप में दिखाया था। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की वो है ओरखोन रिवर। अब दोस्तों हम बात करते हैं मंगोलिया के इतिहास के बारे में। यहाँ पे चंगेज़ खान हमारी सेंट्रल फिगर होगी। अब देखो, अब इनसे पहले चंगेज़ खान के आने से पहले मंगोलिया यूनाइटेड बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी, कोई किसी को अटैक करता था, कोई कब किसी को अटैक कर देता था, और इसी में ही बिजी थे। इन्होंने बाहर एक एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट का और एक बड़ा सा एम्पायर बनाने का कभी भी नहीं सोचा। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मंगोलिया जब चंगेज़ खान के अंडर नहीं था तब भी इक्का दुक्का कुछ लीडर्स आए थे जिन्होंने पूरे मंगोलिया को इकट्ठा करने की कोशिश करी, मगर वो असफल रहे। यहाँ पे मैं तब भी ऐड करना चाहूँगा कि चंगेज़ खान के आने से पहले भी मंगोलिया के जो फाइटर्स थे, जो उनकी कैवलरी थी, वो बहुत यूनिक थी। और कई मायनों में आप अगर इसको नोटिस करोगे तो ये 3rd सेंचुरी के आसपास सेंट्रल एशिया में कुछ बारबेरियंस आए थे, बारबेरियंस वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने खुद को नाम दिया था द हंस। उनकी भी काफ़ी एक फेमस हिस्ट्री है, उनके लीडर थे बहुत बड़े अटिला द हन, और उनका लड़ने का जो तरीका था वो काफ़ी हद तक मंगोलियन यहाँ पे जो कैवलरी थी उनके जैसा ही था। वो बारबेरियंस भी घोड़े पे सवार रहते थे और साथ में एक छोटा सा धनुष रखते थे अपने पास। ये धनुष काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स था, ज़्यादातर जो धनुष होते थे वो काफ़ी लंबे थे, मगर इन्होंने एक नए धनुष की इन्वेंशन करी जो काफ़ी छोटा था, जिससे आप बहुत ही जल्दी तीर मार सकते हो एनिमी को, और इसको कैरी करना भी काफ़ी हद तक ईजी था। साथ में और भी इन्होंने बहुत सारी बाद में चीज़ें इन्होंने ऐड करी, तभी जो मंगोल सोल्जर्स थे, जो इनकी कैवलरी थी,
इतनी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंगेज खां पावर में आए कैसे और इन्होंने मंगोलिया के ट्राइब्स को यूनाइट करने का फैसला कब लिया। चंगेज खां पैदा होते ही चंगेज खां नहीं बन गए थे। जब ये पैदा हुए थे तब इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रखा था तेमुजिन और इनका जन्म हुआ था 1162 AD में। और चंगेज खां तेमुजिन टू बी एग्जैक्ट ये बॉर्जिन ट्राइब के मेंबर थे। ये ट्राइब माना जाता था डिसेंडेंट है काबुल खान का। काबुल खान वही व्यक्ति है जिसने 1100 में कोशिश करी थी कि वो मंगोल के सारे ट्राइब्स को इकट्ठा करके चाइना पे अटैक करेगा, मगर वो असफल रहे थे। तेमुजिन की माँ थी हौलिन। हौलिन तेमुजिन को बहुत सारी बातें सिखाती थी। उन्होंने बताया था तेमुजिन को बहुत ही अर्ली एज में, जब वो 8-9 साल के थे, कि ज़िंदगी बहुत ही क्रूअल है, तुमको स्ट्रांग होना होगा। मंगोल के बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो आपस में लड़ते हैं दूसरे से, उनको यूनाइट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो चंगेज़ खां की जो पर्सनैलिटी जो डेवलप हुई उसमें उनकी मदर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। जब चंगेज़ खां 9 साल के थे तब उनके फादर को मार दिया गया। वो कहीं पे जा रहे थे और उसी दौरान जो राइवल ततार ट्राइब था वहाँ के लोगों ने उनको एक मील पे या डिनर पे बुला लिया कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, और उस मील में उन्होंने जहर मिला रखा था और वहीं पे चंगेज़ खां के पिता मर गए। तेमुजिन जब 16 साल के थे तब इनकी शादी हुई बोर्ते के साथ और इससे दो ट्राइब्स में एक अलायंस बन गया। मगर इनकी शादी सुखी बिल्कुल नहीं होने वाली थी क्योंकि कुछ ही टाइम बाद बोर्ते जो इनकी पत्नी थी उसको किडनैप कर लिया मेरकित ट्राइब ने। और वहाँ पर जो चीफ था उस ट्राइब का, उन्होंने चंगेज़ खां या तेमुजिन कह लीजिए, उनकी बीवी के साथ शादी कर ली। अब उसके बाद तेमुजिन को बहुत मुश्किल हुई अपनी बीवी को बचाने में, मगर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो अपनी बीवी को बचा पाए। अब जब उनकी बीवी वापस आई चंगेज़ खां के ट्राइब में तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम था जोची। वहाँ पे उनके ट्राइब में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि क्या ये बच्चा चंगेज़ खां का है या फिर राइवल ट्राइब के लीडर का है, मगर चंगेज़ खां ने रिगार्डलेस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस उन्होंने इस बच्चे को अपना लिया। उसके बाद जब तक तेमुजिन 20 साल के हुए तब उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था आसपास के छोटे छोटे ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय करके एक यूनाइटेड ट्राइब कह लीजिए, यूनाइटेड फोर्स बनाने का। और धीरे धीरे उनकी जो आर्मी थी वो 20,000 लोगों की हो गई थी। और यहाँ पे ये यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से मंगोल के सारे ट्राइब्स को इकट्ठा लाया जाए। यहाँ पे चंगेज़ खान ने एक नया टैक्टिक सीखा जिसका नाम था डर। चंगेज़ खान की जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, जिस तरीके से वो अपनी आर्मी का इस्तेमाल करते थे, वो अपने आप में ब्रिलियंट था। चंगेज़ खान एक कमाल के मिलिट्री लीडर थे, मगर वो जिस ब्रूटैलिटी से अपने दुश्मन को ख़त्म करते थे वो बाकी दुश्मनों को एक मैसेज सेंड कर देते थे कि मैं इतना ज़्यादा भयानक हूँ। और एक फियर एलिमेंट आ जाता था जब वो चंगेज़ खां से बाद में लड़ते थे। तो जब चंगेज़ खां के 20,000 लोगों की सेना हो गई तब उन्होंने ततार आर्मी पर अटैक किया। ये ततार ट्राइब वही ट्राइब है जिन्होंने इनके पिता को मारा था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से। आई थिंक चंगेज़ खान ने अपने पूरी लाइफ में बहुत सारी ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट की हैं, उसमें से ये टॉप 10 में ज़रूर आएगी। क्योंकि जब ततार आर्मी को चंगेज़ खान ने स्टार्टिंग में मारा था तो ततार आर्मी के जो भी मेल यहाँ पे सोल्जर्स थे, उसके अलावा जो सिटीजन्स भी थे ततार वहाँ पे, सबको मार दिया जो 3 फीट से ऊपर था, जो बिल्कुल बच्चे थे, बस उनको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक और राइवल ट्राइब ताइचुत पे अटैक किया और वहाँ पर भी उनके जो शेफ थे उनको जिंदा बॉयल कर दिया पानी में, कई लोगों के सर काट दिए और ओवरऑल अपनी ब्रूटैलिटी से पूरे मंगोल में अपना नाम मशहूर कर लिया बहुत ही छोटे समय में। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए मंगोल आर्मी में। सबसे पहले तो जो 80,000 फाइटर्स थे अब तेमुजिन चंगेज़ खां के अंडर, तो उनको एडवांस वेपन्स दे दिए गए। अब उस हिसाब से एडवांस वेपन क्या थे, उनको सोफिस्टिकेटेड सिग्नलिंग सिस्टम दे दिए गए कि अगर मान लो घुड़सवार एक बहुत आगे निकल गया है, बाकी काफ़ी पीछे हैं, तो वो एक सिग्नल दे सकता है कई किलोमीटर दूर, ताकि उनको पता लग जाए कि आगे दुश्मन जो है कितने सारे हैं और या क्या आगे उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ड्रम्स कैरी करके जाते थे वो, और साथ में एक उनके फ्लैग सिग्नल्स भी थे, और साथ में हर एक कैवलरी सोल्जर के पास एक बो होता था, छोटा धनुष और तीर होते थे, साथ में एक ढाल भी होती थी, एक डैगर भी होता था, एक रस्सी भी थी, साथ में उनको सैडल बैग देते थे जिसमें वो खाना और कुछ टूल्स वगैरह रखते थे। और इसी सैडल बैग को वो मोड़ के चाहे तो एक वाटर प्रूफ मास्क भी बना सकते थे। वो मास्क पहनते थे जब कोई रिवर वो पार कर रहे थे या फिर उनको कहीं पे पानी के अंडर जाना था।
तो ओवरऑल चंगेज खान ने यह डिसाइड किया कि उनको अपनी आर्मी में इन्वेस्ट करना होगा, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिशियन थे, बस वहाँ पे उन्होंने काम किया, वो इन्वेस्ट करना जानते थे, उनको पता था कि किस तरीके से एक आर्मी को स्ट्रांग करना है, तो बेसिकली मैसिव अपग्रेड्स किए उन्होंने अपनी आर्मी में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी दौरान तेमोजिन को ये टाइटल दिया गया चंगेज खान, मैं चंगेज खान बोला था काफ़ी लंबे टाइम से क्योंकि फेमिलियर नाम है, मगर ये जो टाइटल था तेमोजिन को काफ़ी बाद में मिला, और चंगेज खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, पूरे यूनिवर्स का शहंशाह, और जो मंगोल ट्राइब का जो लीडिंग शामन था, शामन बेसिकली एक स्पिरिचुअल गुरु होता है, तो उन्होंने चंगेज खान को डिक्लेयर कर दिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई, द सुप्रीम गॉड ऑफ मंगोल्स। तो अब चंगेज खान से यही मतलब नहीं था कि ये अब एक मिलिट्री जनरल बन गए हैं या एक किंग हैं, मंगोल ट्राइब्स में चंगेज खान एक स्पिरिचुअल पावर भी था, उसको वो मानते थे कि ये सारी दुनिया का एक गॉड है और इसमें यू नो गॉड लाइक पावर्स है। चंगेज खान जो भी कहता था वो फाइनल वर्ड होता था, और चंगेज खान के खिलाफ जाना मतलब कि गॉड के खिलाफ जाना। तो यहाँ पे एक एडेड आप कह सकते हो स्पिरिचुअल पावर भी जुड़ गई तेमोजिन पे, और वो चंगेज खान बन गया। अब इसी दौरान जब चंगेज खान चाइना पे अटैक कर रहे थे, सेंट्रल एशिया में अटैक कर रहे थे, इनकी ये बहुत ही फेमस कोट दुनिया के सामने आई, ये चंगेज खान का माइंडसेट काफ़ी क्लियरली हमको बताती है। ये कोट है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, यहाँ पे चंगेज खान बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है। ज़्यादातर आपको जो रिलीजन्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगा कि दान करने में बहुत बड़ी खुशी होती है, किसी की मदद करने में बहुत बड़ी खुशी होती है, या सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफ़ी थ्योरीज हैं। मगर चंगेज खान कुछ और ही कहते हैं, ये कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी आपको तब मिलती है जब आप दुश्मनों को बिल्कुल ही मिटा देते हो, आप उनको भगाते हो, और फिर उनकी सारी जो धन दौलत है वो आप उनसे छीन लेते हो। जो आपके दुश्मनों के करीबी थे, जो उनके दोस्त थे, वो रो रहे होते हैं, और साथ में आप उनकी जो माताएं बहनें हैं उनको भी उठा लेते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे चंगेज़ खान बता रहे हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, और थ्रू आउट हिज कॉन्क्वेस्ट ये कोट उनके माइंडसेट को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। तो 1209 में चंगेज़ खान ने पहली अपनी फॉरेन वॉर लड़ी, उन्होंने अपनी आर्मीज़ को शीशिया जो चाइना में एक जगह है वहाँ पे काफ़ी अंदर तक ले गए, और वहाँ पे काफ़ी डेवस्टेशन करी। उनका इंटरेस्ट वहाँ पे कोई कैसल किले में या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में बिल्कुल नहीं था, उनको दो चीज़ों में इंटरेस्ट था, उनके एग्रीकल्चर और उनके पैसे में। चंगेज़ खान का ये मानना था कि किला किसी काम का नहीं होता, और थ्रू आउट आप मंगोल हिस्ट्री देखो, बहुत सारे उनके रूलर्स आए, किसी ने कोई बड़ा किला नहीं बनाया, सब टेंट में रहते थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही फेमस अटैक चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया में किया था शाह मोहम्मद पर। शाह मोहम्मद के एम्पायर पे चंगेज़ खान ने अपना एक दूत भेजा था, तो बहुत फेमस ये स्टोरी है कि उन्होंने उस दूत का सर काट के वापस भेज दिया चंगेज़ खान को। चंगेज़ खान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वापस शाह महमूद का जो पूरा एम्पायर था वहाँ पे सिटीजन्स आर्मी के लोग सबको मार दिया, और ये कहा जाता है कि इतने लोगों को मारा गया कि वहाँ पर हड्डियों के पहाड़ खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंगोल एम्पायर यहाँ तक फैल गया था, और इसके डिफरेंट मैप्स हैं। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कुछ जो मंगोलियन ट्राइब्स थे उन्होंने यहाँ पे यूरोप में और ज़्यादा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी वहाँ तक वो पहुँच गए थे, मगर ज़्यादातर ये मैप जो है ये लोग मानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में पूरी तरीके से ये कॉन्क्वेस्ट इन्होंने नहीं करी थी, और रशिया पे भी मंगोल्स ने इन्वेजन करी थी। कीव जो आप आज के टाइम में यूक्रेन की राजधानी है, उस ज़माने में पूरे रशियन एम्पायर की राजधानी कीव था। कीव काफ़ी लंबे समय तक पूरे रशिया की राजधानी था, और उन्होंने कीव को पूरा जला दिया था, और बताया जाता है कि कीव में एक ज़माने में हज़ारों लाखों घर थे, और जब मंगोल वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके गए सब कुछ, तो सिर्फ 200 घर बचे थे, और मास स्केल पे यहाँ पे रेप्स हुए, मर्डर्स हुए, बॉडीज़ को म्यूटिलेट किया जाता रहा, मतलब कि हाथ पैर काट के फेंक देते थे, और ये पूरा जो डिस्ट्रक्शन का पाथ था कई जनरेशन तक चलता रहा। चंगेज़ खान के बाद उनके और भी आगे जाके जो बेटे थे उन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड की मंगोल इन्वेजन। यहाँ पे मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ, चंगेज़ खान जो नाम है उससे काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या चंगेज़ खान ने इस्लाम कबूल लिया था, क्या वो मुस्लिम थे। जी नहीं, चंगेज़ खान मुस्लिम नहीं थे, वो बस उनका जो टाइटल था चंगेज़ खान, तो खान लगा होता है तो वह काफ़ी मुस्लिम सरनेम है, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हाँ, मगर चंगेज़ खान के बाद के जो उनके ग्रैंडसन थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। अब 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है, ये 65 के थे जब इनकी मृत्यु हुई, और एक आर्मी जनरल के हिसाब से ठीक ठाक इन्होंने लाइफ बिताई। इनके मरने के बाद ओदेगाई को चुना गया अगला ग्रेट खान, और इनके अंडर भी आगे जाके मिलिट्री कैंपेन्स आगे बढ़ते रहे,
और उसके बाद फिर बातू खान आए, इन्होंने कोशिश करी कि वियतनाम में इन्वेजन करने की, जापान में इन्वेजन करने की, और भी काफ़ी जगह इन्वेट करने की कोशिश करी, मगर ये सब अपने आप में बढ़िया मिलिट्री जनरल्स थे, मगर चंगेज़ खान जो क्वालिटीज़ प्रेजेंट करते थे वो इनके पास नहीं थी, और इवेंचुअली धीरे धीरे जो मंगोल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट करता गया, वो छोटा होता गया, और 1368 तक पूरा मंगोल एम्पायर सिर्फ मंगोलिया तक ही सिमट कर रह गया। 1380 में मंगोलिया का जो कैपिटल था उस ज़माने में, जो मंगोल सिम का जो कैपिटल था काराकोरम, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद ज़्यादा कोई बड़ा एक इवेंट नहीं हुआ मंगोल हिस्ट्री में, अनटिल ऑफ कोर्स यूएसएसआर जब तक फॉर्म नहीं हुआ था। तो जब यूएसएसआर फॉर्म हुआ तब से मंगोलिया एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर, और ये बहुत ही लंबी टसल चली दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूएसएसआर और चाइना के बीच में मंगोलिया को लेकर, और फाइनली 1990 में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई और जिस मंगोलिया को आज हम जानते हैं उसका जन्म हुआ। मंगोलिया के अगर हम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को देखें तो यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस है कि सिंस ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये एक ट्रैप्ड कंट्री है, ये डिपेंड करता है रशिया या चाइना पे इसके एक्सपोर्ट्स को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। अभी एक ज़माने में यहाँ पर एग्रीकल्चर एक इनकी बैकबोन थी इनकी इकोनॉमी की, मगर आज के टाइम में एग्रीकल्चर सिर्फ 15% या उससे भी कम है इनकी टोटल इकोनॉमी का, ज़्यादातर यहाँ पे फोकस होता है इनकी माइनिंग इंडस्ट्री पे। मंगोलिया में कोल माइन बहुत सारी है और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मंगोलिया माइनिंग तो कर सकता है उनकी, मगर उसको अगर एक्सपोर्ट करना है बाकी दुनिया में, उसको बेचना है तो या तो चाइना के थ्रू वो बेचेगा या रशिया के थ्रू बेचेगा, तो यहाँ पे मंगोलिया की जो डिपेंडेंसी है इन दो देशों पे वो बहुत ही ज़्यादा है। अब मंगोलिया और चाइना के रिलेशंस में दरार तब आई थी जब 2016 में दलाई लामा ने मंगोलिया को विज़िट किया था। आपको पता है दलाई लामा बात करते हैं तिब्बतियन फ्रीडम की, तिब्बतियन ऑटोनॉमी की, और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसी के रिस्पांस में अब जैसे मैंने आपको बताया था मंगोलिया बहुत हद तक डिपेंडेंट है चाइना पे उसके एक्सपोर्ट्स को दुनिया तक पहुँचाने के लिए, तो जैसे ही यहाँ पे दलाई लामा आए चाइना ने रिस्पांस में क्या किया कि मंगोलिया के जो ट्रक्स थे जो चाइनीज़ बॉर्डर को क्रॉस करके बाद में उनके पोर्ट्स को यूज़ करके एक्सपोर्ट करना चाहते थे अपना मटेरियल, वहाँ पे उनको रोक लगा दी और साथ में एडेड उन पे कुछ टैक्सेस लगा दिए। ओवरऑल चाइना ने कोशिश करी कि मंगोलिया की इकोनॉमी को थोड़ा हर्ट किया जाए, उसको सबक सिखाया जाए कि अगर वो दलाई लामा को अपनी कंट्री में बुलाएगा तो हम उसको इकोनॉमिक लॉसेस देंगे। इसके बाद मंगोलिया की सरकार को आश्वासन देना पड़ा चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि आज के बाद वो दलाई लामा को अपनी ज़मीन पे कभी नहीं आने देंगे, वो कभी उनको इन्वाइट नहीं करेंगे। मगर इस एपिसोड से मंगोलिया ने भी एक सबक सीखा है कि चाइना पे वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता, इसलिए आप देख रहे हो कि मंगोलिया के लीडर्स अब इंडिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो लोन के लिए सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं देखते, वो लोन के लिए IMF से भी वो गुहार लगाते हैं, वो रशिया से हेल्प मांगते हैं, वो जापान से हेल्प मांगते हैं, तो ओवरऑल मंगोलिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें अब तक इस वक्त तो कुछ दरार है, और मंगोलिया भी काफ़ी अभी अनईजी है चाइनीज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को लेकर। इंडिया और मंगोलिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, सिंस मंगोलिया और चाइना के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया और मंगोलिया के रिलेशंस में पड़ा है। अब देखो एक डिफेंस एक्सरसाइज भी है दोनों देशों के बीच में, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ऑलराइट। और उसके अलावा 2015 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट करी थी मंगोलिया की, उस दौरान इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर करी थी मंगोलिया को $1 बिलियन की, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको पसंद नहीं किया था, चाइनीज़ मीडिया ने इसको कहा था कि रिश्वत देने के बराबर है, और इंडिया बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि सिंस मंगोलिया को चाइना ब्लॉकेड कर रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स को जाने नहीं दे रहा, तो वहाँ पे इंडिया वो जो रूम है वो फिल कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना इंडिया के जो नेबरहुड है वहाँ पे फ्रेंड्स खरीद रहा है, जैसे नेपाल या फिर मालदीव्स का केस जो रिसेंटली आया था, वैसे ही इंडिया मंगोलिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो मंगोलिया ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में, हालाँकि इंडिया का वो सपोर्ट परमानेंट सीट के लिए नहीं करता। एक टाइम था जब मंगोलिया ने परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल पे उसके लिए इंडिया का सपोर्ट किया था, मगर बाद में उन्होंने ये सपोर्ट वापस ले लिया, मगर उसके अलावा नॉन परमानेंट सीट के लिए काफ़ी बार मंगोलिया ने इंडिया का सपोर्ट किया है। और उसके अलावा यूरेनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इन द फ्यूचर इंडिया और मंगोलिया के रिलेशनशिप में, क्योंकि मंगोलिया के पास यूरेनियम के बहुत बड़े रिजर्व हैं, मगर इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने फंड्स नहीं है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर सके, तो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है कि मंगोलिया को एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है माइनिंग सेक्टर पे फोकस करते हुए,
और किसी तरीके से अगर मंगोलिया को थ्रू रशिया अगर इंडिया एक राउट दे सकता है तो मंगोलिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो इंडिया का यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे फाइनली आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मंगोलिया की करेंसी क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ आर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।